लास्ट टाइम का रीकैप कर लेते हैं कि क्या सिखाया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में। एक्सरसाइज बताई थी मैंने क्या क्या कर सकते हो तुम एंकल की, नीज की और शोल्डर की। अब बात करता हूं मैं, उससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे तुम अपना फुटवर्क फ्लुएंट कर सकते हो, पेंडुलम सिखाया था। अब इस वाली वीडियो में कैसे तुम पेंडुलम करते करते शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? ये पेंडुलम कर रहे हो तुम, होप तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। मिनिमम 1 घंटा तो दो यार, अगर तुम्हें कुछ करना है ना, अगर बॉक्सिंग अच्छा से सीखनी है, मिनिमम 1 घंटा तो दो ही दो। और अगले 3-4 वीडियो में भी मैं कैसे अपना गार्ड अच्छे से बनाना है, स्पाइन कैसे रहेगी, ये सब बताना शुरू कर दूंगा। एक बार फुटवर्क तुम्हारा एकदम ऐसा हो जाएगा ना, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी वाला टाइप्स, फिर से कहूंगा तुम्हें कि कैसे तुम अपर बॉडी अपनी एकदम वाटर जैसे कर सकते हो, वाटर इन द सेंस लूज और फास्ट, ठीक है? तो इसमें तुम जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में बताया था कि तुम फुटवर्क स्टांस में पहले लेफ्ट लेग आएगा, फिर तुम शिफ्ट करोगे ऐसे, और वही अगर लेफ्ट साइड जा रहे हो तो लेफ्ट पैर आएगा, फिर शिफ्ट करोगे, ठीक है? तो इसी में तुम शफल कर रहे हो, शफल कर रहे हो, शफल कर रहे हो, शफल कर रहे हो, सॉरी माय बैड, शफल शफल पेंडुलम पेंडुलम कर रहे हो, ठीक है? अब तुम्हें पता है सामने वाले का जाब आ रहा है, इसमें आईसाइट चाहिए तुम्हारी, तभी पता चलेगा कि सामने वाले का जाब आ रहा है। इसमें क्या करना है, एक बॉक्सिंग का एथिकल वे बता दो पहले कि क्या कर सकते हो तुम। कुछ नहीं करना, बस साइड में ले जाना है पाउंड, ठीक है? डायगनल रहनी चाहिए, ये ऐसे सामने नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है? हल्का सा आगे को, पीछे वाला फुट हल्का सा आगे को, और इसको रोटेट, ठीक है? तो इसमें तुम पेंडुलम कर रहे हो, ये देखो। एक और बात का ध्यान रखना है, तुम्हारा जो फ्रंट लेग है वो भी ट्विस्ट होगा, ठीक है? ये देखो, ये है, फिर तुमने शिफ्ट करा, ये अगर तुम ऐसे में हो और ऐसे करके ऐसे कर लोगे, फिर दोनों साथ में होना चाहिए, अगर ये पहले आया फिर बाद में ट्विस्ट हो रहा तो पिट हो गए। शब्द पेंडुलम करो, पेंडुलम करो, पेंडुलम करो, आया ये, ठीक है? अब एक एथिकल वे बता दो जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम पेंडुलम कर रहे हो ये, बल्कि फास्ट फास्टर वे है। अगर तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं है इस चीज का, तुम पूरा घूम सकते हो, इतना तुम्हें घूमना 90 होगा, तुम उसके आगे 105 110 डिग्री घूम जाओगे, यहां से ऐसे की जगह ऐसे चले जाओगे। तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें पूरा फोर्स यूज करना है, शफल कर पेंडुलम कर रहे हो, पेंडुलम पेंडुलम पेंडुलम, इसमें ये देखो, ठीक है? स्पीड देखो तुम लोग मेरी, देखो ये था ऐसे, ठीक है? पेंडुलम ये। अब इसमें अनएथिकल वे, पेंडुलम कर रहे हो, पहले इसमें हील आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? ये देखो, हील फिर टो, हील टो, खुद ट्राई करके देखो, अपने आप तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि हील जो होता है हमारा वो ऑलरेडी राउंड होता है, ठीक है? इसमें क्या है, हमारे टोज में फिंगर्स की वजह से ना हिंड्रेंस पैदा करती है, ठीक है? जब तुम ऐसे करोगे फिर इसमें करोगे तो ये हिंड्रेंस बन रहा है, ठीक है? ये ऐसे कर रहे हो, ये अगर इसमें तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो तुम पूरा घूम सकते हो ऐसे। तो पेंडुलम पेंडुलम पेंडुलम, एथिकल पे ये, ठीक है? तो ये देखना, इसी में अगर तुम फ्रंट वाला लेग से कैसे शिफ्ट करोगे अपना डायरेक्शन, ये एथिकल भी आ जाएगा, ये ठीक है? जहां रखना है तुम्हें वो पाउंड, ये अपनी खुद की
मसल मेमोरी होनी चाहिए कि कितना अब तुम आते ना रोकोगे फिर ऐसे आओगे ऐसे चलोगे, अगर तुम जल्दी कर दोगे, अगर तुम्हारा यहां से ऐसे आ रहा है तो तुम्हारी रीच नहीं आएगी, तुम्हारा पोजिशन नहीं होगा। बॉक्सिंग में फुटवर्क से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजिशन। पोजिशन तुम्हारा जैसा प्रिसाइज होगा तुम सामने वाले बंदे को उतना एक्यूरेट तरीके से मारोगे। अगर तुम्हारा बाहर जा रहा है तो तुम दूर हो गए, अगर तुम्हारा बहुत क्लोज आ रहा है तो तुम बहुत पास आ गए। इसीलिए प्रैक्टिस डेली का एक घंटा, ये पेंडुलम 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 सॉरी ये तो मैंने अनएथिकल वे डाल दिया, पेंडुलम पेंडुलम ये एथिकल है, अनएथिकल में वही है हील स्विच, बट बॉडी के घूमते घूमते ही स्विच होना चाहिए, वरना ऐसे करके तुम्हारी मूवमेंट शो हो जाएगी अगर तुम्हारा वेट सारा हील पे है। तो ये मारा पेंडुलम पर ये देख रहे हो बॉडी घूमते ही टोस पे आ जाना चाहिए ये ऐसे, और पीछे वाले बॉडी से तुम्हें बैलेंस बनाना है वही आगे वाले बॉडी से। अगर तुमने ज्यादा स्पिन करो तो आगे भी गिरोगे, कम स्पिन करो तो पीछे को गिरोगे, तो इसीलिए प्रैक्टिस करा दो। इसलिए कहता हूं मैं फुटवर्क पे ज्यादा ध्यान दो, फुटवर्क और पोजीशन माइंड में बना लो। पोजीशन कैसे बनानी तुम्हें ड्रिल बताता हूं एक मिनट। अगर जिम जा रहे हो ऐसी छोटी सी प्लेट ले लो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो ईंट से एक सर्कल बना लो छोटा सा और उस पर टैप करना है ये, ठीक है टैप टैप, इस पर तुम्हारा फुटवर्क तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है ये ऐसे डायगोनल 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 साइड टू साइड फिर इसमें स्विच। इसमें तुम कॉम्प्लेक्स जा सकते हो पर अभी केवल बेसिक पे चलते हैं। ये टच टच में गोल गोल घूमो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बॉडी को ऐसे डॉट देना है डायरेक्शन करंट के साथ चेंज होनी चाहिए। ये करंट नहीं है ना तुम्हें पिट जाओगे ना, कहीं भी पिट जाओगे जहां लड़ाई होगी, तो इसलिए स्पार्क ये इसमें कॉम्प्लेक्स जा सकते हो तुम। एक यूज कर रहा हूं मैं फिर तुम्हें दो से तीन से सर्कल पेंटागन बना के ऑक्टागन हेक्सागन सब में आ जाएगा अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है। उसको करते जाओ 30 सेकंड एक मिनट लगे रहो, रुकना नहीं, क्योंकि जितना तुम टोस पर होगे उतना तुम ग्राउंड में भी एक्ट करते रहोगे। ऐसे अगर तुम फ्लैट फीट आ गए तो तुम खत्म स्लो हो जाओगे अपने आप। और एक स्किपिंग की टिप देता हूं, अब तुम्हें दो में तो सिखा दिया कि कैसे कर लो, ये सिखा दिया। अब एक चीज और, लेग में तुम्हें अपने स्ट्रेंथ लाने की 3 मिनट और 3 राउंड, आसान बात नहीं 9 मिनट खेलना और टोस पे। तो अगर तुम कर रहे हो ढंग से तो तुम्हें पता होगा लग रहा होगा कि जब अपना वेट पीछे वाले पांव पर रख लो तो काफ तुम्हारी भर जाती है, तो उसको ना भरने का ना एक तरीका बताता हूं। स्किपिंग लो और एक पांव से करना शुरू करो, कितना भी जा सकते हो, मैं तो 200 जा सकता हूं वन गो में। टाइम लगेगा 10 पहले 10 फिर 15 20 25 50 100 150 200 मतलब यार, फिर वेट्स डाल देता हूं वेट्स के हिसाब से, फिर मैं 50 60 इतना मैक्स, और विदाउट वेट्स 200। वैसे ही तुम टांग के साथ भी कर सकते हो। इतने टिप्स काफी हैं आज की वीडियो में, ट्रेन करते रहो अपने आप सीख जाओगे। और हाँ
मार्शल आर्ट से तुम्हारा कोई वो नहीं है कि दो चार पुशअप्स मारे, कैलिस्थेनिक्स का तुमने थोड़ी वीडियो देख ली, बॉक्सिंग की वीडियो देख ली तो सीख जाओगे। पार्टनर का होना जरूरी है, पार्टनर के बिना जीरो। ठीक है, अच्छी बात है। तुम शैडो बॉक्सिंग कर रहे हो, एक सिमुलेशन तुम क्रिएट कर रहे हो, कैसे बचाएगा, फिर तुम मारोगे, कैसे बचोगे, पर जब तक रियलिटी में नहीं आएगा ना तुम खत्म हो। और सेल्फ डिफेंस की ट्रिक, सॉरी सेल्फ डिफेंस की टिप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ट्रेन हार्ड एंड लेट्स पुश पास्ट द लिमिट्स गाइस।